हेलो राधे राधे, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बस ये सुबह का ही टाइम है और पूजा हो गई है फ्रेंड्स। पूजा करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि पूजा नहाने के बाद मैं किचन में रख गई थी दाल होने के लिए, तो बस वही देखने आई हूँ। और आज मैंने बाल भी धोए हैं, तो ये देखिए अभी कुछ भी नहीं किया था बाल का। तो पहले मैंने कहा दाल देख कर आती हूँ पक गई है या नहीं, या नहीं तो फिर इसमें एक दो सीटी और लगा दूँगी, क्योंकि बेटी को बोल दिया था तो उसने बंद कर दिया। लेकिन अभी दाल में थोड़ी सी कसर है तो इसमें एक दो और सीटी लगाने के लिए रख देती हूँ कुकर को बंद करके। तो और इतने में मैं अपने बालों में से पानी अच्छे से साफ कर लूँगी, क्योंकि पानी आप खुद देख रहे हैं मेरे बाल बहुत गीले हो रहे हैं। चलिए तो और इसके बाद अब मैं जा रही हूँ बाहर। बाहर ही मैं अच्छे से बालों में कंघी भी करूँगी और पानी भी सही से सूख जाएगा, क्योंकि अभी टाइम नहीं मिला था। तो बस मैंने टॉवल निकाल कर थोड़ा सा पानी साफ किया और क्लीचर लगा लिया था। तो ये देखिए मेरे बाल आप खुद देख सकते हैं, ऊपर तो फिर भी कम दिख रहे हैं गीले, लेकिन नीचे सारे बाल पूरे गीले हो रहे हैं। तो मैंने कहा फटाफट से कंघी कर लेती हूँ जब तक कुकर में दो सीटी आ जाएंगी और यहाँ पर मेरे बालों में से पानी भी सूख जाएगा और बाल में कंघी भी हो जाएगी, अच्छे से सुलझ जाएंगे बाल, क्योंकि उलझे रखे हुए हैं। तो इसीलिए फटाफट से मैं अपने बालों को सुलझा लेती हूँ, आज टाइम नहीं है। और वैसे भी बहुत ज़्यादा सर्दी है तो मुझे बहुत सर्दी लग रही थी, क्योंकि बालों में से पानी निकल रहा है ना, इस वजह से स्वेटर वगैरह भी नहीं पहनी हुई है मैंने। नहीं तो मैं नहाकर सबसे पहले स्वेटर ही पहनती हूँ पूजा करने के बाद, लेकिन बाल गीले थे तो मैंने कहा स्वेटर और गीली हो जाएगी तो और दिक्कत आएगी। वैसे भी कपड़े सूख नहीं रहे हैं, हल्की धूप आ रही है, फिर मौसम ऐसा ही हो रहा है तो बारिश भी होने लग रही है इस वजह से। तो बस यहाँ पर मैंने कंघी कर ली है और क्लीचर भी लगा लिया है, और जो नीचे बाल गले हैं पूरे बालों को मैं उठा लूँगी, क्योंकि नीचे पड़े रहेंगे तो यहाँ वहाँ उड़ेंगे। और ये देखिए कंघी में भी कितने बाल निकले हुए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम चलते हैं अंदर, फटाफट से चलते हैं किचन में, क्योंकि दाल पकने वाली थी इसीलिए टाइम ख़राब नहीं किया मैंने और गैस जल रहा था। तो यहाँ पर देखिए सीटी आ गई हैं, तो फटाफट से मैं छौंकने की तैयारी कर लेती हूँ। यहाँ पर काट लेती हूँ मैं प्याज और दाल पक चुकी है तो गर्मा गर्म, अभी कुकर तो नहीं खोलूँगी ना ही मैंने अभी गैस बंद किया है, क्योंकि अगर अब की मतलब एक दो अच्छे से और लगा लेती हूँ मैं सीटी की, क्या होता है जो मतलब खारा पानी होता है ना, इसमें मुझे 8-10 सीटी लगाना पड़ती हैं। और जो मीठे नल का सुबह आता है ना, उसमें आज मैंने दाल बनने के लिए नहीं रखी हुई है, नहीं तो उसमें ज़्यादा ज़्यादा 4 या 5 सीटी लगा और अच्छी से दाल पक जाती है। लेकिन ये जो हमारे जेट का पानी है ना, उसमें आज मैंने दाल रखी हुई है, इस वजह से इतना टाइम हो गया कि दाल अभी पकी नहीं है सीटी में, नहीं तो जल्दी पक जाती है। तो यहाँ पर मैंने कुकर भी कुकर का गैस बंद कर दिया है और प्याज काटने लगी हूँ कि जिससे दाल में छौंका लगा दूँ। फटाफट से प्याज टमाटर डालकर आज दाल को मैं फ्राई करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग वीडियो में बने रहिए और मैं काट लेती हूँ प्याज और दाल को छौंक देती हूँ। तो यहाँ पर मैं 2-3 प्याज काटूँगी, क्योंकि प्याज से दाल बहुत टेस्टी लगती है। अभी जीरा से छौंका लगाती ना तो इतनी अच्छी नहीं लगती, इसलिए जीरा और हींग से नहीं लगा रही हूँ और प्याज से लगाऊंगी। और यहाँ पर आ गई है मेरी बेटी, तो आज उनको बनाना है मोमोस। मेरे से मोमोस की बोल रही थी, मैंने कहा मोमोस तुम लोगों का काम है बना लेना, मैं तो दाल चावल और रोटी सेक कर रख देती हूँ, जब खाना है तो खा लेना, क्योंकि सर्दी में फिर काम करने की इच्छा नहीं होती। इसीलिए तिवारी जी भी आ रहे होंगे, वो तो मोमोस वगैरह खाते नहीं हैं कुछ भी, उनको सादा सिंपल खाना चाहिए। तो बस इसीलिए मैंने कहा मैं अपना काम कर लेती हूँ तुम अपना कर लो। तो वो लोग अपनी सब्जी वगैरह कट कर रही हैं, पत्ता गोभी मिर्च गाजर वगैरह कट कर रख ले रही हैं। और जब एक गैस खाली हो जाएगा ना, वैसे तो एक गैस अभी खाली है, लेकिन मैंने कहा मुझे दाल चावल रोटी सेक लेने, तो इसके बाद तुम अपना बनाते रहना। तो बस फटाफट से मुझे बनाना भी है और इसके बाद अभी मेरा और भी काम बाकी है, क्योंकि मैं नहाकर सीधा किचन में आ गई थी पूजा करने के बाद। अभी कपड़े रखे हुए हैं तो कपड़ों को भी ऊपर डालने जाना है छत पर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स प्याज हो गई है, प्याज होने के बाद मसाला डाल दिया है मैंने, और इसके बाद डाल दिए हैं टमाटर। तो टमाटर 5 मिनट के लिए पकाऊंगी और इसके बाद डाल दूंगी इसमें मैं दाल। दाल तो वैसे भी गर्म है, अभी कुकर मैंने खोला ही नहीं है तो दाल उबलने में टाइम नहीं लगेगी। और जब तक मैं
चावल भी धोकर रख दूंगी इसमें, दो सीटी में हो जाएंगी। चावल तो कोई से भी पानी में रख दो, दो या तीन सीटी में पक जाते हैं, बस दाल ही थोड़ा प्रॉब्लम करती है तो इसीलिए। और बस यहाँ पर डाल दिया है मैंने थोड़ा सा गरम मसाला। तो ये देखिए दाल तो आप खुद देख सकते हैं बिल्कुल गरम रखी हुई है, और आपको दिखाती हूँ ये देखिए थोड़ी देर में उबलने वाली है। थोड़ा सा पानी डाल दिया है मैंने क्योंकि गाढ़ी दाल है तो गाढ़ी दाल अच्छी नहीं लगती है मुझे भी, और बच्चों को भी तिवारी जी तो खा लेती है, लेकिन तुअर की दाल है इसलिए पतली सी करती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा ना पतली ना गाढ़ी। और बस यहाँ पर मैं काट लूँगी धनिया, और डाल दिया है मैंने दाल में धनिया। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से मैंने चेक भी कर ली है कि कैसी लग रही है, तो बस थोड़ा सा पानी और डाल देती हूँ क्योंकि दाल का टेस्ट बहुत अच्छा है। और बस यहाँ पर रख देती हूँ मैं 3 या 4 कटोरी चावल, क्योंकि मोमोज तो बाद में बनाएंगे, पहले खाएंगे वो लोग दाल चावल, इसके बाद मोमोज बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए दाल उबलने लगी है, और अब मैं रख देती हूँ चावल, और इसके बाद लगाऊंगी मैं आटा, क्योंकि अभी आटा नहीं लगाया हुआ था मैंने, किचन में आकर सीधा दाल चावल ही बनाने लगी नहीं, तो मैं क्या करती हूँ आटा पहले लगा के रख देती हूँ कि जिससे अच्छे से आटा फूल जाए, लेकिन आज आटा नहीं लगाया था मैंने। और बस यहाँ पर मुझे थोड़ा सा गंदा दिखा स्टैंड, तो मैंने कहा पहले साफ़ कर देती हूँ इसके बाद आटा लगाऊंगी, क्योंकि कोई भी हाउस वाइफ हो स्टैंड गंदा हो ना तो अच्छा नहीं लगता। और इसके बाद बस यहाँ पर मैंने हाथ धोकर और फटाफट से आटा छान लेती हूँ, फिर आटा लगा कर रख देती हूँ। रख के तो रोटी ही सेकूँगी आटा लगाने के बाद। ये देखिए फ्रेंड्स, और यहाँ पर दाल उबल चुकी है, दाल को ढक दिया है मैंने, एक गैस पर हो रहे हैं चावल, और यहाँ पर हाथ धोकर मैंने ले लूँगी आटा जो छान लिया है मैंने, और बस उसमें डाल दिया है मैंने नमक, और इसके बाद फटाफट से हम आटा लगा लेते हैं। ये देखिए क्योंकि आटा अब फुलाने के लिए अब टाइम नहीं, 10 मिनट तक रखूँगी, जब तक तो मैं रोटी सेक लूँगी, फिर जाना है मुझे कपड़े डालने, क्योंकि कपड़े डालने अगर मैं लेट जाऊंगी ना तो कपड़े सूखेंगे ही नहीं, क्योंकि धूप बिल्कुल कम निकल रही है, लगी नहीं रही है, और हवा भी नहीं चल रही ज़्यादा कि हवा में कपड़े सूख जाएं, तो इसीलिए मुझे भी कपड़े भी डालने जाना है बच्चों के। तो बस यहाँ पर फटाफट से आटा लगा ले रही हूँ मैं, और फिर मैं रोटी और सेक लूँ तो किचन से हो जाऊँगी मैं सारे काम से फ्री। आटा लगाने मुझे वैसे भी 10 मिनट तो लग ही जाते हैं अच्छे से आटा लगाना, तभी रोटी अच्छे से बिलती हैं और सिकती भी हैं। तो ये देखिए बस आटा हमारा लग चुका है, और इसके बाद मैं रोटी सेकना शुरू कर दूंगी। तो बस चलिए फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो में बने रहिए और वीडियो को फुल एंजॉय कीजिए। तो यहाँ पर चावल की कुकर में आ गई है सीटी, 2 और सीटी लगाऊंगी, और इसके बाद यहाँ पर कुकर को हटा दूंगी। तो ये देखिए रोटी मैंने बनाना शुरू कर दिया है, और फटाफट से 8-10 रोटी बना लेती हूँ, फिर बच्चों को दे देती हूँ खाना, और क्योंकि गर्मा गर्म दाल चावल ही अच्छे लगते हैं सर्दियों में, ठंडे तो वैसे भी कोई नहीं खाता। आज सब घर पर थे, संडे का दिन था, तो इसीलिए मैंने दाल चावल बनाए हैं, नहीं तो वैसे दाल चावल बहुत कम हो गए हैं सर्दियों में, क्योंकि सब लोग चले जाते हैं ना, तो फिर दाल चावल नहीं बनाती हूँ मैं, और रात को तो वैसे भी नहीं खाते हैं कोई इसीलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो में बने रहिए, और मैं फटाफट से सेक लेती हूँ रोटियां। और बस फ्रेंड्स यहां पर रोटी सिक चुकी थी, सारा काम हो गया था, तो मैंने कहा गैस स्टैंड और गैस भी साफ कर देती हूं। ये रखी हुई है गौरी की रोटी, अभी गौरी नहीं आई नहीं तो उसको भी दे देती, और फिर चलते हैं खाना खाएंगे, और आप लोगों से खाना खाने के बाद मिलती हूं मैं सारा काम करने के बाद। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो इंजॉय कीजिए। और फ्रेंड्स खाना हो गया है मेरा, बर्तन वगैरह भी साफ करके अभी आई हूँ। तो ये देखिए बाल कैसे हो गए हैं, और पूरे अच्छे से सूख गए हैं मेरे बाल, और अब मुझे जाना है चोटी बनाने, क्योंकि इसमें चोटी बना लूँ नहीं तो फिर से उलझ जाएंगे।
और बस यहाँ पर मुझे याद आ गया कि पहले मैं कपड़े डाल आती हूँ ऊपर, क्योंकि कपड़े अगर नहीं डाल के आऊँगी ना तो सूखेंगे नहीं, आपको पता है। और ये देखिए कितनी परेशानी से मैं वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे लोग अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, दोनों बेटी और बेटा ऊपर ही है, तो कोई भी वीडियो बनाने वाला नहीं था। तो मैंने कहा चलो मेरे जैसे भी वीडियो बनती है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ इग्नोर करिए और बहुत बहुत सपोर्ट कीजिए मेरे वीडियो को और चैनल को। तो बेटा ऊपर ही है, चिड़िया वाला खेल रहा है और मैं आ गई हूँ छत पर और कपड़े डालने के लिए। तो यहाँ पर देखिए आप खुद देख सकते हैं उसको, ये देखिए ये दोनों खेल रहे हैं चिड़िया वाला, क्योंकि संडे के दिन तो बहुत ही कम पढ़ाई होती है इन लोगों की, ये तो कहीं पतंग उड़ाता है और नहीं तो फिर चिड़िया वाला खेलता है और नहीं तो फिर टीवी देखना है। तो लेकिन आज टीवी नहीं देखी इसने, चिड़िया वाला देखना शुरू कर दिया है। और इसके बाद यहाँ पर मेरी बेटी आ गई थी तो उसको मैंने मोबाइल दिया और मैंने कहा मैं डाल देती हूँ जब तक कपड़े, और वीडियो थोड़ी यहाँ वहाँ हो गई है तो प्लीज़ इग्नोर करना और वीडियो को बहुत बहुत सारा प्यार देना, कमेंट करना। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। और ये क्या है कि आज तो फिर भी हल्की धूप निकल रही है, नहीं तो दो या तीन दिन से तो बूंदाबांदी हो रही है, इतनी तेज ठंडी हवा, मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कपड़ा कैसे सूखेंगे, और सूख भी नहीं रहे थे दो तीन दिन से, बहुत परेशान थे, कपड़े सूख ही नहीं रहे थे। जिम्मी, आपको जिम्मी की आवाज़ सुनाई दे रही होगी क्योंकि जिम्मी किसी पर भौंक रही है, कोई आया होगा या फिर गाय वगैरह दिखी होगी उसको, उसका काम ही है, गाय दिखती है ना सबसे पहले उस पर टूट पड़ती है वो। तो बस यहाँ पर फटाफट से मैं सारे कपड़े डाल देती हूँ और जो रस्सी बीच में आपने देखी ना इसको भी मुझे सही करना है, इतना टाइम नहीं मिलता मुझे कि मैं वो रस्सी थोड़ा टाइट कर दूँ और यहाँ कर दूँ, बीच में है ना और बहुत ढीली हो गई है, जैसे उसमें मतलब स्वेटर वगैरह टी शर्ट वगैरह डालते हैं ना तो बिल्कुल नीचे हो जाती है, ज़मीन से लगने लगते हैं कपड़े, तो इसीलिए मैं उस पर नहीं डाल रही हूँ सारे कपड़े, दीवार पर डाल रही हूँ। तो अभी उसको भी सही करना है मुझे। तो यहाँ पर देखिए कितने सारे कपड़े धोए हुए थे, इतनी सर्दी में कपड़े धोना बहुत मुश्किल हो जाता है फ्रेंड्स। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर करूँगी एंड, राधे।